हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको जो बनाना सिखा रहा हूँ वो आप सोच रहे होंगे क्या है, तो थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या बनाना सिखा रहा हूँ। और आज मैं आपको पतंग की टेल बनाना सिखा रहा हूँ, यानी कि दुम। और कुछ इस तरीके से तीन पेपर लेने हैं आपने और उनको साथ में जोड़ लेना, मतलब कि जोड़ना नहीं, ग्लू से नहीं जोड़ना, ऊपर रख लेना तीनों को, कुछ इस तरीके से आपने रखना है। और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना, एक इस तरह फोल्ड करना। और उसके बाद आपने एक बार इस तरह फोल्ड करना, इस तरीके से आपने फोल्ड करना। और एक दफ़ा और आपने एक तरीक इस तरह फोल्ड करना है। और अब हम इसको काटना स्टार्ट करेंगे, फालतू पेपर काट लिया जो बुरा लगेगा। यहाँ से आपने कैंची चलाना स्टार्ट कर देनी है स्पीड में, कैंची आपने स्पीड में चलानी है कि जो टेल है हमारी यानी कि दुम है वो बारीक बारीक कटे, ज़्यादा मोटी नहीं काटनी, पतंग को लगी बुरी लगती है, बारीक बारीक काटना है। और मैं आपको पतंग पर लगाना भी सिखाऊंगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है, एंड तक देखनी है, लास्ट में मैंने पतंग को दुम लगानी भी सिखाई है, और वीडियो आपने पूरी देखनी है। टेल हमारी रेडी हो गई है एक साहब की, फालतू पेपर काट देना एंड से। अब हम इसको झाड़ लेते हैं, पहले तो आप देख लें कुछ इस तरीके से आपको बनी हुई नज़र आएगी, इसके बाद आपने इसको झाड़ लेना ज़मीन पे या किसी भी टेबल टूबल पर या हाथ पर आप झाड़ सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारी धूम रेडी है, अब हम इसको पतंग पर लगाते हैं। मैंने 6.5 की टी पतंग बनाई थी, उसकी धूम नहीं लगाई, और अब मैं इसकी धूम लगा रहा हूँ यानी कि टेल। और कुछ इस तरीके से आप देखें और अपनी पतंगों को भी लगाएं। सबसे पहले आपने ये कोने के ऊपर धागा रखना है और कोने से फोल्ड करना स्टार्ट करना कुछ इस तरीके से। ग्लू सूख गई थी तो मैंने और लगाई है। धूम इसलिए होती है कि जो पतंग होती है वो प्यारी लगती है और उसमें खूबसूरती आ जाती है। अब हमारी ये धूम रेडी है, पतंग रेडी है, और आप देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और भी ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आपको मिलेंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।